Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Wni wa amal wakil. Wni wa amal maulah. Wni amal nasir. Hasbunallah. Wni wa amal wakil. Wni wa amal maulah. Wni amal nasir. Hasbunallah. Wni wa amal wakil. Wni wa amal maulah. Wni amal nasir. Abang semua yang kau yakin bantah. Hari ini. हमारा मौजू जो कि दीन की बुनियाद या आसमानी ख़ाइन में दाखिल होने के लिए एक कलीद की हैसियत से है और इस कलमे के अलावा कोई शख़्स शहर दीन में दाखिल ही नहीं हो सकता है तो हर ज़माने में दाखिल होने के लिए दीन इस्लाम के अंदर सबसे पहले जिस क़लिमे के लिए फ़रमाया गया है वो कलिमा मुहम्मद महमद्ला आज हम ये ला अला क्योंकि पैगम्बर अक्रमल्म ने फ़रमाया मनकाल महमदर रसूल ला मुसलिम जो शख़्स ला अला के और उसके साथ मोहम्मद रसूल के हैं तो फिर वो मुसलमान हैं और ला के क्या मानी हैं और इसके हदूद क्या हैं तो ये इतना बड़ा ख़ज़ाना क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक कलिमा है या इस कलिमे के अंदर बहुत सारे हक़ाइ को समझने के लिए ये एक कलीत के तौर पर है ये एक चाबी के तौर पर है पैगम्बर आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि स वसम के बहुत सारे मुआजात हैं अक्सर हमारे मौजूदा नौजवान सवाल करते हैं कि रसूल बरह के क्या मुआजात हैं तो यकीनन रसूल करीम सलील वसल्लम का सबसे बड़ा मुजज़ा ख़ुद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद हैं और क़ुरान मजीद तंज़ील में भी मुजज़ा है और तवील में भी मुजज़ा है सबसे बड़ा मुजज़ा तवील में है इसके मानी के अंदर है इसकी हिकमतों के अंदर है लेकिन अगर रसूल करीम सजात में से अगर सबसे बड़ा मजजा जिसको देखा जाए तो वो ये मुबारक क़लिमा है कि इस एक क़लिमे के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पूरी कायनात को लपेटा तमाम हक़ और तमाम असरार को इस क़लिमे के अंदर किस तरह रखा इस कायन को इंसान की ज़ात को यानी इस एक कलमे के अंदर ला कर पूरे हकीक़तों को सिर्फ़ और सिर्फ तीन हरूफ़ के अंदर ला के लपेटा गया है अब आज दुनिया में किसी शख़्स को आप तीन लफ्ज़ दे दें या तीन हरूफ दे दें और उसको कहें कि इन तीन हरूफ़ से कोई ऐसा कलिमा बनाएं कि वो कलिमा इस कायनात के तमाम चीज़ों की गवाही दे रहा हूँ ये मुजज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद वंद रब्ज़्ज़त के अज़ीम पैगम्बर जो सरदार अम्बिया है जो ख़ातमनबी हैं वही हस्ती ये मुजज़ा कर सकती हैं तो अभी हम मुख्तसर इसकी पूरी वजाहत आप लोग चाहें हकीम पिर नासिर खसरकद्लू की मुबारक किताब वजह दीन के अंदर जाकर आप ला के मानी और रसूल करीम के लाई हुई शरीयत के अंदर कितने असरार हैं उनको आप पढ़ सकते हैं मैं मुख्तर उसमें से आप तमाम की हजूर यहाँ पे अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा इस कबल एक हकीक़त को जानना है कि किसी भी चीज़ के वजूद के लिए आज दुनिया में अगर कोई चीज़ हमारे सामने बन कर आती है तो वो कोई चीज़ बन कर आती है तो उसके चार लेवल हैं यानी चार मकाम हैं या चार दर्जात से गुज़र कर कोई चीज़ हमारे पास आती है सबसे पहले वो चीज़ एक फार्मूले की सूरत में एक आइडिया की सूरत में एक ख़्याल की सूरत में किसी इंसान के दिमाग में वो चीज़ मौजूद होती है उसके बाद उसी को किसी फैक्ट्री में जाकर किसी कारखाने में जाकर किसी तजर्बा में जाकर उस चीज़ को वजूद दिया जाता है उसकी तख्लीक़ होती है जो उसको बनाया जाता है तो तीसरे मरहले पे उसको किसी एक ख़ास ज़बान में लिखा जाता है कि ये चीज़ किस तरह बनाई गई इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई इस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा और जितने भी उसके मतलक़ मालूम हैं उसको किसी एक बुकलेट में लिखा जाता है चौथे मरहले पे कोई शख्स हो जो उस जबान को जानता हो और उसको पढ़ना जानता हो तो उसको पढ़कर वो उस मशीन को उस चीज़ को सामने रख कर वो बता सकता है कि इसकी इस चीज़ को इस तरह बनाया गया है इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए इसके अंदर ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं इसी तरह इस कायनात के अंदर जो अल्लाह ताला के अमर से कुन से जो इस कायनात की तख्लीक हुई है तो ये कायन की तख्लीक़ सबसे पहले दर हकीक़त चाहे किताब शख्सी हो या आलम दीन हो या याम ज़ाहिर सबसे पहले उसका जो वजूद है वो कलम इलाही के अंदर उसका वजूद है या अकल कली के अंदर उसका वजूद है तो वहाँ पे वो चीज़ तायद की सूरत में है तो लिहाज़ा अक्ल कुल्ली की तइत से नफसे कुल्ली या लौह महफूस में इस कायनात की तरकीब हुई ठीक है जब इस कायनात की तरकीब हुई नफ्स कुल्ली की ज़ात में उसके बाद ये जो कायनात ऑलरेडी मौजूद थी तो इस कायनात की मारिफत और इस कायन के मालिक की मारिफत हासिल करने के बाद रसूल करीम सल्ला वसल्लम ने जो कि साहिब तालीफ़ हैं साहिब तंज़ील हैं इन तमाम हकीक़तों को तालीफ़ किया जमा किया जब इन तमाम हकीक़तों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने जमा किया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कलिमे के अंदर इन तमाम हकीकतों को पूरे कायन को जमा किया जमा करने के बाद फिर उसके बाद उसके जो असाज हैं उसके जो जानशीन हैं उसकी जो आल है उसकी औलाद है जो कुछ पैगम्बर अक्रम सल वसम ने हक़ाइ को जमा किया था फिर वो दौर के लिहाज से उसमें से खोल खोल कर उनको बयान करने की ज़िम्मेदारी जो कि उस हिकमत को ज़बान उस हिकमत की ज़बान को वो हस्तियाँ जानती थीं तो उन्होंने ज़माने के मुताबिक फिर उन हकाइ को बयान किया है तो अब हम कलमे शहादत की तरफ आते हैं तो जहाँ पर हम किसी भी शहादत की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं आप मुस्तकीम की बात करते हैं तो हर चीज़ तीन दर्जात में हर चीज़ होती है सबसे पहला उस चीज़ की सबसे पहले इब्तिदा होती है एक दरमियान और एक मंजिल मकसूद तो इसी तरह जब हम गवाही की बात करते हैं एक है गवाही एक गवाही देने वाला और एक जिसकी गवाही दी जा रही है यानी शाहिद शहादत और मशकूत लिहाजा फाइल फ़ैल और मफूल इसमें आप किसी भी हकीकत को अगर आप देखें तो ये इन तीन दर्जात में वो हकीकत मुकम्मल हो जाती हैं आप इताअत को देखें रसूल सल्ला की इतात रसूल करीम सल सल्लम की इतात और उसके बाद अमर की इतात ये तीन इतातें कुरान मजीद के रूस है हम सब पर फ़र्ज़ है उसके बाद आप में देखें ख़ुद रसूल की रिसालत उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे दो गवाह ये मिलाकर ये तीन हैं इसी तरह आप इस किताब कायनात को देखें आसमान और ज़मीन इन दोनों के मिलाप से इनके जो औलाद हैं ठीक है, है इनसे जो भी तख्लीक़ होती है जो भी वजूद बनता है तो ये इन दोनों का तीसरा है माँ बाप हैं तो फिर उनका तीसरा उनकी औलादे हैं तो जब माँ बाप से औलाद पैदा होती है तो उससे फिर वो एक सिलसिला इसी तरह आगे चलता है लिहाजा जहाँ पर शहादत दी जाती है तो फिर एक शहादत देने वाला एक जिसकी शहादत दी जा रही है और एक शहादत है तो फिर शहादत मज़ीद इस शहादत के अंदर दो तरह की चीजें जैसे ला इला सबसे पहले नफी है इवाह यहां पे असबात है तो इसी तरह गवाही की भी दो सूरतें हैं गवाही या झूठी हो सकती है या सच्ची हो सकती है गवाही या झूठी हो सकती है या सच्ची हो सकती है फिर झूठी गवाही भी और सच्ची गवाही भी फिर दो हिस्सों में है मसलन उसमें भी एक नफ़ी है और एक असबात है मसलन ये चीज़ आप कहते हैं कि यह टैबलेट किसी की है आप सच बोल रहे हैं आप यज्ञ चीज़ किसी की नहीं है यह सच्ची गवाही है एक नफ़ी में है और एक असबात में किसी की नहीं है तो नहीं है आप सच बोल रहे हैं किसी की है तो है आप सच बोल रहे हैं और झूठी गवाही भी दो तरह की है वो भी नफ़ी और असबात में है यानी ये चीज़ किसी की नहीं है आप कहते हो ये उसकी है तो झूठ बोल रहे हो लेकिन असबात में ये चीज़ किसी की है आप कह रहे हो ये उसकी नहीं है तो आप जूटी गवाही दे रहे हो तो नफ़ी की सूरत में तो लिहाजा गवाही के अंदर जिस तरह दो चीज़ें हैं एक है नफ़ी और एक है असबात तो इस नफ़ी और असबात का जिस तरह तस्वुर है तो पैगम्बर अकरम सल्ह ने एक ऐसा कलीमा बनाया एक ऐसा कलीमा दिया जिसके अंदर नफ़ी भी है और उसके अंदर असबात भी है तो ये कलिमा सबसे पहले आप देखें कि इस कलिमे को अब हम देखेंगे कि किस तरह इस कलिमे के हवाले से पूरी कायनात किस तरह इस कलिमे की गवाही देती है या ये कलिमा किस तरह पूरी कायनात के अंदर तमाम हकायक को ये कलिमा बयान कर रहा है सबसे पहले ये कलिमा पूरे कलिमे को देखें ला इल्लल्लाह एक कलिमा है, और फिर इसके अंदर दो मानी हैं दो मानी क्या हैं एक नफ़ी हैं और एक असबात हैं ला इलाह नफ़ी इल्लल्लाह असबात इसके अंदर फिर तीन हुरूफ़ हैं अलीफ़ लाम हा इन्हीं तीन हरूफ को बार बार रिपीट किया गया है अलिफ़ लाम और हा को इसी इन्हीं तीन हरूफ को से एक कलिमा बनाया गया है जिसमें इस कलिमे के अंदर लाम को और अलिफ़ को पाँच पाँच मरतबा इस्तेमाल किया गया है और हा को सिर्फ दो मरतबा इस्तेमाल किया गया है ठीक है तो ला तीन के अंदर क्या हुआ कि तीन हरूफ़ हो गए और फिर इस कलमे के जो है चार हिस्से चार जो है ना इसके अंदर टुकड़े हैं ला इला ला इला इल्ला अल्लाह यानी यहाँ पे ये जो है ना कलमे के अंदर चार का तस्वुर भी है और उसके बाद आपको पता है कि जब भी अदत के अंदर जब अदत चार को पहुंचती है तो वहाँ पे चार के अंदर अदत की एक तकसीम पूरी हो जाती है किस तरह एक जो है ताक महज है ताक महज समझते हैं कि खालिस ताक दो जो हैं जुफ्त महज हैं जुफ्त महज से मुराद ये है कि ख़ालस जुफ्त लेकिन जब तीन में पहुँचते हैं तो फिर जो है ना तीन के अंदर पहुँचने के बाद आदात के अंदर ये ताक भी है तीन लेकिन मुरकब है मुरकब किस तरह है कि तीन के अंदर एक ताक अलिफ है एक है और दूसरा ताक तीन है तो यहाँ पे जो तीन हैं तो ये दर हकीकत जो, जो है ना ये महज नहीं है बल्कि ये मुरकब है दो ताक़ आदाद का एक मुरकब है तीन और इसी तरह जो चार है ये दर हकीक़त जो है ना जुफ्त है लेकिन जुफ्त होने के साथ ये भी मुरकब है क्योंकि एक पहला जुफ्त दो दूसरा जुफ्त चार तो दो और चार में जब पहुँचते हैं तो फिर ताक महज ताक मुरकब जुफ महज और जुत मुरकब मुकम्मल हो जाता है उसके बाद अगर पाँच है तो वो भी ताक मुरकब है अगर छ ही है, तो वो भी जुत मुरकब है इसके बाद आदात अगर लाखों करोड़ों में जाएं तो ताक मुरकब और जुफ मुरकब ही कहलाएँगे लेकिन चार में पहुँचने के बाद जो है ना ताक महज और ताक मुरकब जुत महज और जुफ मुरकब मुकम्मल हो जाते हैं तो यहाँ से जब तकसीम है तो ताक मुरकब और जुफ मरकब को अगर आप जमा करें तो फिर पहली अदद है उसके बाद सात अगर इनको जर्ब दें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस सूरत में है अदद बारह एक दो तीन चार उसके बाद सात उसके बाद बारह तो इस क़लिमे के अंदर देखें कि सबसे पहले पूरा क़लिमा एक मानी के लिहाज से दो और उसके अंदर फिर तीन हरूफ़ हैं अलिफ़ लाम हा, और फिर उसके चार जुज़ हैं ला इला, इल्ला, अब्वा और उसके बाद जो है ना सात में अगर आप पहुँचते हैं तो फिर सात अलग अलग ला लाम अलिफ़ ला उसके बाद फिर गेब है उसके बाद अलिफ है ला इलाहा, अलिफ फिर लाम है कि फिर अलग और इस तरह हो के ये सात अज्जा हैं यानी सात अलग अलग जो है ना टुकड़े हैं जिसमें से हर एक के बाद जो है ना एक गेप है ठीक है और फिर बारह जो है ना मुकर्रर हुरूफ है ये बारह हर हर्फ को दोबारा जो अपनाया गया है या दोबारा जो दोहराया गया है तो ये दरहक़ीक़त मिला कर इस कलमे के अंदर बारह हरूफ है तो अब देखिए कि यहाँ पर इस कलमे के अंदर जिस तरह बारह हरूफ हैं तो अब इसकी जो गवाही है अब आप किताब कायनात से ले लें ठीक है ये पूरी कायनात एक है और इसी कायनात के अंदर फिर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है एक कायनात की जो है ना का हिस्सा हयूला है दूसरे कायनात का हिस्सा सूरत है पूरे कायनात कलमे की तरह पूरे कायनात एक है उसके बाद कायनात दो हिस्सों में तकसीम हैं जिस तरह कलिमा दो हिस्सों में तकसीम है नफ़ी और असबात इसी तरह ये कायनात दो हिस्सों में तकसीम हैं और वो दो हिस्से क्या हैं और सूरत और फिर इस कायनात के अंदर लंबाई चौड़ाई और गहराई ठीक है तो ये तीन दर हकीक़त जो कायनात के अंदर हैं या तो है, है या तो लंबाई है या चौड़ाई है या गहराई है तो इसी तरह कलमे के अंदर जो तीन हरूफ हैं उसके मुकाबले में इस कायनात के अंदर लंबाई है चौड़ाई है और गहराई है इसी तरह कलमे के अंदर जिस तरह चार का चार का तस्वुर है तो इस कायनात के अंदर आग है पानी है हवा है और मिट्टी है ठीक है तो इसी तरह आप देखें कि सात का तस्वुर है तो फिर सात सारे हैं और बारह बुरुज हैं और फिर आप साल के अंदर देखें इसकी जो गवाही है ख़ुद इंसान के ज़ात के अंदर इंसान एक ऐसा ही है ना इंसान अपने जात में एक है लेकिन इंसान का एक अगला हिस्सा है एक पीछे का हिस्सा है एक सामने का हिस्सा है एक पीछे का हिस्सा है इंसान कसीफ है और लतीफ है तो इंसान के अंदर ये दो पहलू हैं फिर इंसान के अंदर रूह नामिया है रूह हिस्सिया है और उसके बाद जो है ना रूह नातिका है इंसान इन तीन अरवाह का मजमू है ठीक है उसके बाद फिर जब आप इंसान के हस्ती को ज़ाहरी तौर पर देखें तो इंसान जो है ना सफ़रा यानी जर्दी और सौदा खून और बलगम इन चार चीज़ों से इंसान बना है और फिर उसके बाद जो है इंसान के ज़ात के अंदर सात आजाए रईसा हैं सात आजाए रईसा में क्या है दिमाग है दिल है अपना कलेजा है फेफड़े हैं इसी तरह पिता है नली है और गुर्दे हैं तो ये जो है ना सात आजाए रईसा हैं और फिर इंसान के अंदर बारह सुराख हैं ठीक है जो बारह सुराख जो इंसान के अंदर हैं तो उसके अंदर दो आँखें हैं दो नाक हैं दो कान हैं जबान हैं और इसी तरह जो है ना नाफ़ है, इंसान के जो है ना पिस्तान हैं और इंसान के दो सुराख ये मिला के तकरीबन इंसान के ज़ात के अंदर खुदा ताली ने बारह सुराख बनाए हैं तो अब आप देखें कि किस तरह ये जो हक़ हैं इन तमाम हक़ को पैग़म्बर आखिर ज़मान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ तीन हरूफ़ के अंदर डाल दिया और इस कायनत ने उसकी गवाही दे दी क़ुरान उसकी गवाही दे रहा है ज़मीन व आसमान उसकी गवाही दे रहे हैं किताब कायन के अंदर भी यही एक हकीक़त है किताब नफसी के अंदर भी यही है एक हकीकत है और आलम दीन के अंदर भी यही एक हकीकत है आलम दीन में आप आए पूरे कायनात के मालिक दीन के मालिक अमर कुल या खुदा वन ताला की ज़ात है उसके बाद उसके अंदर दुई का तस्वुर है कि अकल कुल और नफ्स कुल या क़लम इलाही और लौह महफूज उसके बाद अगर देखें तो तीन का जो तस्वुर है जत फतः ख़याल जद फ़तः ख्याल के अंदर हज़रत इशराफी सल्म हज़रत मिकाईल सज़रत ज़ब्राई सल्म इन के ज़रिए से कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुतफ़ा सल वसल्लम तक पहुँचा है और रसूल वसम के बाद फिर चार का जो तस्वूर है खुद पैगम्बर अक्रम सल वसम उसके असास् मौल मरतज़ाल और फिर उनके आल से आने वाले हर ज़माने का इमाम और इमाम के हजत ये चार ये सब कलिमे के हदूद हैं इसमें से किसी भी हकीकत को ना आलम दीन के किसी हकीकत को ना इस कायनात के किसी हकीकत से कोई शख्स इनकार कर सकता है यानी अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी के इस जिस्म की उसके लिए मुझे रोशनी की या आग को जो है ना मुझे हटाना है मुझे पानी को हटाना है या किसी भी आप इन तमाम हदूत में से किसी भी हद को न जिसम के लिए जो कुछ ज़रूरी हैं आप उसको हटा सकते हो न रूह के लिए जो आलम दीन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है न उसको आप उससे इनकार कर सकते हो जब कलमे के अंदर चार के मानी अकल कुल नफ्स कुल के बाद नातिक और असास, इमाम और हजत हैं यही उसके हदूद हैं तो इसमें से तमाम हदूद को कलिमा पढ़ने का मतलब यह है कि इन तमाम हदूद को मानना पड़ेगा तो उसके बाद देखें कि फिर आलम दीन के अंदर जो सात है तो फिर सात अदवार के मालिक हैं जो कि दौरे महीन के अंदर जो है ना सात अदवार हैं और दौर किहीन के अंदर जो है फिर सात सात इमामों का जो तसुर है तो ये ये जो हर सात इमाम का जो तस्वुर है तो उसी के बाद जो है ना हर इमाम के अंदर में फिर बारह हजतों का जो तस्वुर है तो ये दरहकीक़त यहाँ पर जाके कलीमे के ये मानी पूरे हो जाते हैं और यही इशारा जो है ना इंसान के लिए साल के अंदर भी यही है पूरे अगर आप साल को ले लें साल के अंदर दिन और आप रात को ले लें तो ये सारे जितनी भी कायनात के अंदर जो कुछ भी है कुरान है और इसी तरह जो रसूल करीम सल्लल्लाहु सलील वसल्लम सलात के अंदर भी कुरान मजीद के अंदर भी इन्हीं आदात के इशारों को रखा इसमें से किसी भी आदत को एक दो तीन चार सात और बारह इसी के अंदर आलम दीन को भी मुकम्मल किया यानी आलम दीन भी इसी के अंदर है आलम शख्सी भी इसी के अंदर है किताब कायनात भी इसी के अंदर है इस हकीक़त से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है अब जहाँ पे ला इल्लल्लाह इसमें इस जो बारह हरूफ़ हैं यानी तीन हरूफ़ को बार बार मुक़रर तौर पर बारह मरतबा बयान किया गया है इसके अंदर जो अलिफ हैं वो कितने मरतबा इस्तेमाल हुआ है पांच मरतबा लाम पांच मरतबा लाम के अदद क्या हैं तीस पांच मरतबा अगर तीस को पांच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेढ़ सौ अलिफ की अदद क्या है एक पांच मरतबा अलिफ आया है तो एक, एक सौ पचपन इसी तरह हा दो मरतबा आया है हा की अदद है कितनी पाँच तो फिर ये मिलाकर इसकी जो अदत बनती है वो वन सिक्स फाइफ सिक्स वन सेवन फ़ाइ बारह और अगर इसको जमल असगर में लेकर आ जाएंगे तो वन प्लस टू करें तो फिर दोबारा जो है ना इसके अदद और इसका जवाब तीन ही आएगा और पांच अलिफ़ पांच लाम तो पाँच अलिफ़ दरहीक़त जो लाम पहले हैं हैंफ़ बात में हैं तो जो लाम हैं ये दरहक़त जिसम की तरफ इशारा है अलिफ़ जो है वो रूह की दाइमियत की तरफ इशारा है क्यों क्योंकि रूहानी आलम से दरहकीकत ये जिस्मानी आलम वजूद में आया है जिस तरह अलिफ से लाम बना है आप अलिफ लिखें और फिर अलिफ से के बाद जो है ना लाम जब लिखेंगे अलिफ ही दर हकीकत लाम बनता है लेकिन ये लाम का जो सिरा है इसका रुख दोबारा अलिफ की तरफ है तो लिहाजा जो जिस्मानी आलम है यह दरहकीकत चूँकि रूहानी आलम से जिस्मानी आलम का वजूद है और इस जिस्मानी आलम से दोबारा रूहानी आलम की तरफ इंसान को लौट कर जाना है तो लिहाजा इस हकीकत को बयान करने के लिए पैगम्बर अक्रम सल्लम ने एक ऐसा हर्फ दिया इस हर्फ के अंदर इस हकीकत को बयान किया कि किस तरह रूहानी आलम से ये जिसमानी आलम बना इस एक हकीकत को बयान करने के लिए अलिफ़ और लाम को लिया गया लाम को पहले रखा अलिफ़ को बाद में रखा क्योंकि सबसे पहले इंसान जिस्मानी तौर पर ज़बानी तौर पर कलमे को पढ़ता है उसके बाद उसकी रूहानी मकाम की तरफ उसकी रूहानी उसके अंदर जो हकाइक हैं उनको समझने के लिए कोशिश उसके बाद करता है इसलिए जो है ना यहाँ पे लाम जो जिस्मानी आलम की तरफ इशारा है वो पहले हैं और अलिफ़ उसके बाद है ठीक है तो इसके अंदर कितने हरूफ हो गए जो दो हा हैं इसी तरह हा की अदद पांच है और फिर हा की अदद पांच है तो एक हा दर हकीकत अलिफ के जो है ना के लिए यानी रूहानी आलम के लिए है दूसरा हा जिस्मानी आलम की तरफ इशारा है क्योंकि एक हा के अंदर क्या है रूहानी आलम से मुराद इसकी आदद पांच है तो गोया के जो जिस्मानी और जिस्म और रूह का जो मजमू है इंसान तो फिर वो दस ऐसी क़वतें हैं कि जिस पर इंसान की जो है ना हस्ती आ, मुनहसर करती है वो दस क़वतें क्या हैं वो हवा से जाहिर और हवा से बातिन हैं हवा से बातिन क्या है फ़िक्र है जहन है खातिर है हिफ्स है ज़िक्र है इसी तरह हवा से ज़ाहिर क्या है हवा से जाहिर हम सबको पता है कि देखना है या छूना है या जो है ना है या चकना है जितने भी हवा से खमसा हैं तो ये सब हवा से ज़ाहिर है तो हवा से ज़ाहिर पाँच हैं और हवा से बातिन भी पाँच हैं तो लिहाजा अलिफ़ पांच मरतबा लाम पांच मरतबा जो आया है एक रूहानी आलम के लिए और एक जिस्मानी आलम के लिए और फिर हा जो है हा दर हकीकत एक रूहानी आलम की तरफ़ और एक जिस्मानी आलम के लिए तो यहाँ पे आदात मुकम्मल हो जाती है हाँ कि अपनी अदद भी पांच हैं और इन हरूफ़ की तादाद भी पांच हैं तो लिहाज़ा जहाँ पे हम लाला रसूल करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने नफ़ी और उसके बाद इसबात का ज़िक्र किया है तो यहाँ पे जो नफ़ी है वो आलम जिस्मानी की तरफ इशारा है कि जिस्मानी दुनिया किस तरह ख़त्म होने वाली है तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया इस कलमे को जिस्मानी तौर पर जो फना होने वाली हमारी हकीकत जो जिस्म है सबसे पहले ज़बान से उसको पढ़ा जो शख्स ज़बान से इस कलमे को पढ़ा वो मौला मुतिया की तलवार से वो बच गया मौला मुतजा आलाम की तलवार से उसका जिस्म हलाकत से बच गया और जो शख्स उसकी हिकमतों और उसके हदूद को जानकर उस पर ईमान लेकर आए तो वह मौला मुर्तजाली तावील से उसकी रूह हलाकत से बच गई मैंने क्या अर्ज किया कि जो ला लाला मोहम्मद रसूल जिस शख्स ने कहा जबान से जिस्मानी तौर पर उसका इकरार किया तो वो उसका जिस्म हलाकत से बच गया उस पर मौला मुत्लाम ने अपनी तलवार नहीं चलाई मौला मुतजा की तलवार से उसका जिस्म हलाकत से बच गया और जिस शख़्स ने उसकी हिकमतों की तरफ़ रजू किया तो फिर वो मौला मुता आसम की तावील से उसकी रू हलाक़त से बच गई तो लिहाज़ा इस कलमे के अंदर सबसे पहले जिस तरह से नफ़ी का तस्करा है या नफ़ी का बयान है तो इसी तरह इंसान का जो जिसम है वो फना होने वाली हैं और इंसान की रूह हमेशा के लिए कायम रहने वाली है इसमें हम शहादत किसकी देते हैं अल्लाह इज़्ज़त की देते गवाही देने वाला कौन है इंसान है तो जहाँ पे इंसान गवाही दे रहा है तो जब आगाज़ इंसान से है गवाही देने वाले से आगाज़ है तो कलमे का आगाज़ भी नफ़ी से है क्योंकि जो कलमे पढ़ रहा है ये उस नफ़ी की तरह जो है ना ये ख़त्म होने वाला है और जो जिसकी गवाही दी जा रही है वो हमेशा के लिए कायम व बाकी है वो हमेशा के लिए दायम है तो इसलिए जिसकी गवाही दी जा रही है तो फिर वो सेकंड जो मरहला है वो असबात का है पहले नफ़ी है क्योंकि गवाही देने वाला इस नफ़ी की तरह जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है और अगर कोई हकीकत है जिसकी गवाही दी जा रही है उसी जात की गवाही है या उसी जात की हकीकत है जिस तरह कुरान मजीद के अंदर इरशाद है कुल्ल वजह हो हर शे हलाक होने वाली है सिवाए उसके चेहरे की तो एक तरफ़ हलाकत की बीमारी है एक तरफ़ हलाकत है दूसरी तरफ चेहरे इलाही है तो जो शख़्स चेहरे इलाही में जाके फना होगा तो फिर वो हलाकत से बच जाएगा एक तरफ़ हलाकत का नाम लिया गया है और दूसरी तरफ उसका इलाज भी है अगर इलाज न होता तो खुद ताला की तरफ से एक बीमारी का तस्करा किया गया है और उसका इलाज नहीं दिया गया है बल्कि उसका इलाज भी दिया गया है क्यों क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में खुद चेहरा इलाही हैं फ़कत रा अल हक़ पैगम्बर अकरम सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने मुझे देखा गोया उसने खुदा को देखा तो जब पैगम्बर सल्लम अपने ज़माने में ख़ुद चेहरा इलाही थे उसके बाद मौलान चेहरा इलाही हैं तो पैगम्बर सल्लम फरमाते हैं कि आप मेरी इताअत करो ताकि मैं तुम्हें बादशाह बनाऊँ और फिर हदीस कुदसी के अंदर खुद इरशाद फरमाया गया है कि यबना आदम आतीनी अचालका मिसली हया तमोत ए बनी आदम मेरी इतात करो ताकि मैं तुझे अपनी मिसल बना दूँ और आपको ऐसा ज़िंदा करूँ कि तुझे कभी मौत ना आए तो फिर हम अल्लाह की इतात कैसे करें तो कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है जो शख्स रसूल सल्लम की इतात किया गोया कि उसने खुदा की इतात की तो रसूल सल्लम की सतात के नतीजे में कोई शख्स उस मकाम पर जाएगा जहाँ ख़ुदा वाली के इस हदीस के मुताबिक इस इर्शाद के मुताबिक जो शख्स करेगा तो वो मिस उसको खुदा वाली अपनी मिसल बनाकर एक ऐसी ज़िंदगी अता करते हैं कि उसको कभी मौत नहीं आती है तो लिहाजा यहाँ पर भी गवाही देने वाला वो शख्स है कि जो चूँकि फना होने वाला है और जिसकी गवाही दी जा रही है वो हमेशा के लिए कायम उदायम है तो जब वो हमेशा के लिए कायम उदायम है तो यहाँ पे क़लिमे का जो आगाज़ है वो नफ़ी से है और उसका जो अंजाम है वो दरहक़ीक़त असबात के तौर पर है अच्छा अभी जब हम इस क़लिमे को जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह है इसको आप पूरी तरह से किताब बछन के अंदर जाकर इसको पढ़ें कायनात की कोई चीज़ इस कलमे से बाहर नहीं है कोई हकीक़त इस कलमे से बाहर नहीं है उसके बाद फिर जितने भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत दिए जितने भी फिर तौर तरीक़े बताए तो उन तमाम इबादात के अंदर उन तमाम इबादत के अंदर कोई ना कोई मकसद को किसी न किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए क्या किया गया था इशारा दिया गया था कि हर इबादत का एक मकसद है मसलन रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ये क़लिमे के अंदर कितने हदूद का तस्करा है इसी तरह रसूल करीम सल्लम ने कलिमा दिया या कोई इबादत दी उस इबादत का मकसद क्या था खुदा के खलीफे तक पहुंचना, खुदा के खलीफे का दामन हाथ आना अब खुदा तक कैसे पहुंचा जाए वो जब अब खुदा के खलीफे तक पहुंचेंगे, तो खुदा तक पहुंचने के लिए इबादत कैसे करनी है वो ज़िम्मेदारी खुदा के खलीफे की थी इसीलिए फरमाया गया था कि वसम बिहल जमी अ तफर तो फिर ये तमाम इबादात के बाद सबसे आखिर में जाकर जब वलायत का ऐलान हुआ तो फिर वो अल्लाह की वो रसी है कि अगर इन इबादत में कोई कामयाब हुआ तो फिर उसको अल्लाह ताला अपना मुस्तकीम अपना वो हादिये बरहक वो अल्लाह ताला की वो रस्सी उसको अता करेंगे कि उसको मज़बूती से पकड़ने के बाद फिर उसके ज़रिए से उसकी रसाई अल्लाह तबारक व ताला के ज़ात तक होगी तो इसीलिए हम दीन के अंदर जो कुछ भी पैगम्बर अक्रम सल्लम लेकर आए हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मानी और वो मानी हम जैसे इंसान अपने नाकिस अक़ल से बयान नहीं कर सकते हैं ये वो मानी हैं जो हमारे आईमा आसलम और हमारे पीरों दाइयों और फिदाइयों ने जो बयान किया है तो उस रोशनी में हम कोशिश करते हैं कि इन हक़ाइ को समझें लेकिन आप किताब वजह दिन में जाकर इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें ताकि उसके नतीजे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन हक़ाक़ का जो है ना पता चलें कि किस तरह जब साहिब तइत से साहिब तरकीब में हक़ पहुंच गई तो साहिब तरकीब ने किस तरह इस कायन की तरकीब की और उस तरकीब को एक अजीम पैगंबर जो कि सरदार अम्बिया हैं तो उस अजीम पैगंबर सल्लम ने किस तरह उसकी तालीफ़ फरमाई है और फिर उस तालीफ को हर कोई शख़्स अपने तौर पर नहीं समझ सकता है जब तक साहिब तावील के साथ उसकी वाबस्तगी ना हो तो वो साहिब तावील ख़ुद या उसके अमर से जो कुछ भी तावील बयान हुई है उस तावील की रोशनी में फिर उस तालीफ़ को उस तालीफ़ के ज़रिए से फिर उस तरकीब और उस तइत के मकाम तक कोई शख़्स वापस उस मकाम तक जा सकता है मौला हम सब का नासिर रहे हम सब की दस्तगेरी करें और इन हकायक को समझने की तोफ़ी क़ता फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन आप तमाम मदद